गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो एडवांस मैथ का सीरीज है जो कि अलजेब्रा का लाया हूँ, जो कि सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया रेलवे का, CHSL का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स बराबर 4 + √15 है तो करना है फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 1x². ये क्या है दोस्तों? कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि a² - b² अगर 1 आता है, ये वाला ए है ये बी है। देखिए तो ए स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 16। 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 1। जब अगर 1 आ जाता है और हम लोग को x + 1/x निकालना है, क्या निकालना है? x + 1/x, तो क्या होता है? सामने वाला को ये जो 4 है इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो x + 1/x बराबर कितना? 8 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ माइनस निकालना है, x - 1/x निकालना है, तो क्या हुआ? इसको यानी कि जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला है उसमें 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यानी कि जब माइनस निकालते हैं तो x - 1/x निकालना था तो 2 × √15, तो निकालना हमको प्लस वाला, तो हमको बड़ा वाला हम 2 से गुना कर देंगे। और कंडीशन क्या है कि a² - b² = 1 आना चाहिए। तो देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कंडीशन फॉलो कर गया। तो देखिए निकालना है x² + 1/x², तो निकाल लिए। यहाँ से क्या हुआ? डबल जाना है, x² + 1/x² कितना होगा? इसका स्क्वायर 64, या प्लस है तो -2 करते हैं, कितना होगा? 64। कितना इसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर कितना? 64। और 2 करते हैं कितना? 62। देखिए कितना होगा दोस्तों? 62। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। p = 7 + 4/√3 है, PQ = 1 है, निकालना 1/p² + 1/q². देखिए तो फिर यहाँ चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे? a² - b² = 1 होता है कि नहीं? देखिए तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? a है ये b है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। इसका कितना होगा? देखिए तो जब करेंगे इसका स्क्वायर 48, 16 हो जाएगा और 3 48 हो जाएगा, यानी कि 49 में 48 कितना हुआ? यानी कि फॉलो करिए, हमको यहाँ प्लस निकालना है। जब भी प्लस निकालना होगा, यानी कि क्या निकालना है? p + 1/p प्लस निकालना है, इसमें 2 से बड़ा वाला में 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, कितना का देखा तो p + 1/p बराबर कितना आएगा? 14। अब थोड़ा देख लीजिए कि PQ = 1 है, यहाँ निकालना है 1/p² प्लस, देखो तो q = 1/p यानी कि 1 q की जगह 1/p का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1/p² प्लस ये चल जाएगा यहाँ पे p² ऊपर, इसी का मान निकालना है। तो p + 1/p 14 है, तो यहाँ से लोग डबल करेंगे तो p² + 1/p² बराबर 14 का स्क्वायर - 2। इसका स्क्वायर कितना होता है? 196 - 2 कितना आ जाएगा? 194। यानी कितना आ जाएगा? 194। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, y = √3 - 2 है, फिर से यहाँ चेक करेंगे कि a है ये b है, तो a² - b² क्या 1 होना चाहिए। इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए तो √3 का 3 और -√2 का 2, यानी कितना 1 आ गया। देखिए तो निकालना है, यहाँ माइनस निकालना है, तो इसमें से जो छोटा है देखिए √3 है, √2 छोटा कौन है? √2 है। अगर y - 1/y निकालते हैं तो √2 छोटा है, तो 2 × -√2, क्योंकि हम माइनस में √2 इसमें गुना कर देंगे, बोले थे कि प्लस रहेगा तो यहाँ बड़ा में 2 से गुना करेगा, जब माइनस रहेगा तो छोटा में, तो कितना देखिए? -2√2। हमको निकालना है, क्यूब निकालना है यहाँ से, 3 टाइम्स का यानी क्यूब, y³ - 1/y³ फार्मूला होता है, इसका क्यूब यानी -2/√2 का क्यूब। अब यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे? +3 × -2√2, तो देखिए तो इसका कितना हो जाएगा? -8 × 2 का क्यूब कितना? 8 हो जाएगा। इसको 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6√2। देखिए तो 16 - 16√2 और यहाँ कितना हो जाएगा? -6√2। दोनों को ऐड कर दें कितना? 16 + 6 = 22 -22√2 कितना होगा दोस्तों? -22√2। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। y - 1/y = 4 है, y³ निकालना है यानी 3 टाइम्स करना है,
तो वाई क्यूब माइनस वन बटा वाई बराबर इसी का क्यूब, और अगर हम माइनस है तो प्लस करेंगे, थ्री इंटू फोर। तो देखिए इसका क्यूब कितना होगा, फोर का क्यूब कितना आता है 64, और प्लस कितना 12, कितना हो जाएगा 76, यानी कितना हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वन बटा वाई क्यूब के बराबर कितना होगा 76। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फिर से यहाँ चेक कर लेंगे, ए ई ए है, ये कितना बी है, ए का स्क्वायर 25 और बी का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और 6 24, यानी कि दोनों घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब प्लस निकालना है तो जेड प्लस 1 बाई जेड, दोनों में से बड़ा उसी में 2 से गुना कर देंगे तो ये बड़ा है 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, यानी कि जेड प्लस 1 बटा जेड बराबर कितना आएगा 10, निकालना का स्क्वायर, यहाँ से डबल जाना इसका पावर में, तो देखिए तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा जेड स्क्वायर इसी का स्क्वायर, अब प्लस रहेगा यहाँ पे स्क्वायर में तो माइनस 2 कर देंगे कितना आएगा 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा 98। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स जब भी 2 रहेगा तो क्या एक स्पेशल केस है, क्या है दोस्तों ये स्पेशल केस है, ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो देखिए तो अगर मान लें कि एक्स बराबर 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 बाई 2 आ जाएगा, तो पुट कर दिए, देखिए तो पुट करना है कि एक्स के पावर 21 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 13 31, देखो तो एक्स के पावर 1 पुट कर देंगे तो 1 के पावर कितना 21 प्लस 1, 1 के पावर कितना 13 31, 1 के पावर 21 कितना होता है 1 होता है प्लस 1 बाई 1, यानी कितना आएगा दोस्तों आंसर 1 बाई 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कितना यानी कि 2। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई वाई के पावर 4 है बराबर 223 है, निकालना है कि वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, देखिए जब भी पावर हम लोग यहाँ 2 कम करते हैं यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर, जब भी पावर 2 कम करते हैं तो जो है अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या करेंगे इसको 223 लिख लेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, क्या करते हैं दोस्तों जब भी अगर पावर अगर 4 है 4 से हम लोग 2 करते हैं जो भी आ जाएगा अंडर रूट दे के इसमें 2 जोड़ देंगे, तो देखिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, देखिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है 15 का, तो कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर 15। आइए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 बराबर 0, निकालना है 5x माइनस 1 बाई एक्स, देखिए तो सब में एक्स से गुना करते हैं, यहाँ भी एक्स यहाँ से एक्स गुना कर दिए माइनस, यहाँ भी एक्स गुना कर दिए, यहाँ भी एक्स गुना कर दिए, यहाँ भी एक्स से गुना कर दिए, देखो तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स, यहाँ बचेगा 0, देखो तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये 9 माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, निकालना एक्स माइनस 1 एक्स, देखो तो एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 9 है, निकालना है क्या है 5 एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो 5 एक्स माइनस 1 एक्स मान कितना 9, तो 9 कितना आएगा 9 5 5 45। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।